फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं firstbite.tv। इससे तो बेहतर होगा कि मैं जहर का इंजेक्शन लगाकर मर जाऊं। मुझे पिछले एक महीने से आपने मेंटली टॉर्चर कर रखा है। मेरी वीडियो बनाकर क्या साबित करना चाह रही हो आप? ये लो, मैं अपनी चुन्नी से ही अपना गला घोट लेती हूँ। साथियों ने किसी तरह उसे रोका। यह मर्म किसी आम आदमी का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की जाबाज पुलिस की एक महिला दरोगा का है। रोते बिलखते और भीषण गर्मी के कारण बेहाल महिला दरोगा ने मेंटली टॉर्चर जैसे ये गंभीर आरोप लगाए हैं मेरठ महिला थाने की प्रभारी संध्या सिंह पर। बता दें कि महिला थाना हमेशा से ही विवादों के घेरे में रहा है। संध्या सिंह लंबे समय से महिला थाने की प्रभारी हैं। पुलिस का यह तमाशा आज दोपहर मेरठ के बिजली बम्बा बाईपास स्थित पुलिस चौकी पर हुआ। जिसने देखा वह रुक गया। देख रहा था कि उत्पीड़न सिर्फ उनका ही नहीं होता, पुलिस विभाग में कार्यरत लोगों का भी होता है। बताया गया है कि महिला थाने में तैनात महिला दरोगा अलका चौधरी ड्यूटी के लिए जा रही थी कि पुलिस चौकी के निकट स्कूटी से गिरते गिरते बची। दरोगा को चक्कर आ रहे थे, यहां अलका ने रोते हुए अपने किसी परिचित को फोन किया। इस दौरान महिला दरोगा को यह कहते सुना गया कि इससे बेहतर होगा कि वह जहर का इंजेक्शन लगाकर मर जाए। आइए सुनते हैं। मैडम, आप मेरी वीडियो क्यों बनवा रही हो? एक महीने से परेशान कर रखा है आपने, मेंटलिटी टॉर्चर कर रखा है। मेरी वीडियो बनाकर सूचना पाकर वहां महिला थाना प्रभारी संध्या सिंह भी पहुंच गई, लेकिन थाना प्रभारी ने अपनी दरोगा की तबीयत पूछना गवारा नहीं किया। गाड़ी में ही बैठकर थाना प्रभारी ने जब महिला दरोगा की वीडियो बनानी शुरू की तो दरोगा ने अपनी चुन्नी गले में ये डालकर फंदा लगा लिया कि वह अपना गला घोट रही है। इस बारे में महिला थाना प्रभारी संध्या सिंह ने बताया कि अलका चौधरी ड्यूटी पर जा रही थी, उनकी तबीयत खराब थी, रास्ते में चक्कर आया है। बाकी इस घटना की संपूर्ण जानकारी वरिष्ठ अफसरों को दे दी गई है, बाकी उनसे मालूम किया जा सकता है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv।